territories of this country and control and define 5% of India's budget. This is an insult and a shame to the OBC community. ये OBC community का अपमान है. तो सवाल उठता है कि इस देश में कितने OBC हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है. तो मेरा सरकार को एक सुझाव है, सबसे पहले ये जो महिला का बिल है इसको आप पास कीजिए, आज पास कीजिए, ये जो आपके लागू कीजिए, और ये जो डिलिमिटेशन है जो आपने बोला है, और ये जो सेंसस है इसकी कोई जरूरत नहीं है, 33% आप महिलाओं को सीधा दे दीजिए. और दूसरी बात इसको बदलिए, इसको आप बदलिए. कैमरा नहीं है सर, कैमरा नहीं है, आपको ही दिखाएंगे सर, मेरा भाषण में आपको ही दिखाएंगे. ये आप बदलिए. ये जो लिस्ट है ये ओबीसी समाज का अपमान है. 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं, 5% बजट को कंट्रोल करते हैं. तो जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए. जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे. थैंक यू. माननीय गृह मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, जिसको जाना है डरिए मत, डरिए मत. अरे भाई डरो मत. नो, जिसको जाना है जाने दिया, ऐसे क्यों? प्लीज, कोई भी सदन में रुक सकता है, जा सकता है. माननीय अध्यक्ष जी, प्लीज, नो. माननीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, कल का दिन भारतीय संसद के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा. कल गणेश चतुर्थी थी, कल संवत्सरी थी, कल नए सदन का पहली बार कार्य का श्री गणेश हुआ, और कल ही के दिन वर्षों से जो लंबित था वो महिलाओं को आरक्षण अधिकार देने का बिल इस सदन में पेश हुआ. माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं इस सदन के नेता और देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं कि 140 करोड़ की आबादी में 50% जिसका हिस्सा है वो मातृशक्ति को सात अर्थ में सम्मानित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया. माननीय अध्यक्ष जी, ये जो संविधान संशोधन है, इस संविधान संशोधन जैसे ही दोनों सदन सबके सहयोग से पारित करते हैं, उसके साथ ही देश की लोकसभा और देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं में एक तिहाई स्थान
मातृशक्ति के लिए आरक्षित हो जाए। इसलिए ये बिल के अंदर अनुच्छेद 239 ए जो दिल्ली की विधानसभा से संबंधित है उसमें बदलाव लेकर मेरे साथी मंत्री मेघवाल जी आए हैं। नया अनुच्छेद 303-30 ए जो लोकसभा में एक तिहाई मातृशक्ति का आरक्षण करेगा। नया अनुच्छेद 332 ए जो राज्यों की विधानसभा में एक तिहाई मातृशक्ति का आरक्षण करेगा। और इसके साथ साथ एससी और एसटी वर्ग के लिए जितनी भी सीटें रिजर्व है उसमें भी एक तिहाई सीटें मातृशक्ति के लिए आरक्षित हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ महिलाओं के अधिकार की एक लंबी लड़ाई का अंत हो जाएगा। और जिसकी कल्पना इस G20 की बैठक में सम्माननीय नरेंद्र भाई ने समग्र विश्व के सामने रखी, वुमन लेड डेवलपमेंट, उसके नए युग के श्री गणेश इसी बिल से होने जा रहे हैं। क्योंकि अब इस देश की माता, इस देश की मातृशक्ति, इस देश की बेटी न केवल नीतियों के अंदर अपना हिस्सा पाएगी, नीति निर्धारण करने में भी अपने पद को सुरक्षित कर पाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ पार्टी के लिए महिला सशक्तिकरण एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण, माननीय अध्यक्ष जी, एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण का नारा ये चुनाव जीतने का एक हथियार हो सकता है। परंतु मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं, मान्यता का सवाल है, मान्यता का सवाल। माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी सिद्धांत के लिए किसी व्यक्ति या संस्था इसका आकलन करना है कि सिद्धांत के प्रति मान्यता कितनी दृढ़ है, तो कोई एक घटना, कोई एक कदम से नहीं बनाया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब संगठन का काम करते थे, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महासचिव थे गुजरात प्रांत के, और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की वडोदरा कार्यकारिणी हुई थी, उस ऐतिहासिक कार्यकारिणी में मोदी जी के रोल के कारण ही भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक पदों में एक तिहाई रिजर्वेशन माताओं के लिए किया गया। और ऐसा करने वाले मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरी पार्टी सबसे पहली पार्टी है और मेरी पार्टी सबसे अंतिम पार्टी। माननीय अध्यक्ष जी, मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, ढेर सारे लोगों को मुख्यमंत्री रहते हुए ढेर सारी भेंटें मिलती हैं, ज्यादा से ज्यादा सभी लोग इसको तोसा खाना में आरक्षित रखवा देते हैं। मोदी जी ने उस वक्त निर्णय किया था और सार्वजनिक घोषणा भी की थी कि जितनी भी भेंट आएगी उसका ऑक्शन होगा और वो बच्चियों की पढ़ाई लिखाई के लिए खर्च किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, सीएम रहते हुए भी उनको प्रधानमंत्री देश की जनता ने चुना। 2014 में उनको प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी घोषित करने के बाद चुनाव हुआ और 30 साल के बाद इस देश की महान जनता ने पूर्ण बहुमत की एक सरकार
मोदी जी के नेतृत्व में बनाने का मैंडेट। और जब सरकार बनाने का समय आया तब मोदी जी का स्वाभाविक था कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना, और इस्तीफा देने के बाद ही वो प्रधानमंत्री बन सकते थे। तो मुख्यमंत्री पद से जब मोदी जी ने इस्तीफा दिया तब इनके बैंक अकाउंट में माननीय अध्यक्ष जी, भाई उनको जवाब न दो, इनके बैंक अकाउंट में जितना भी मुख्यमंत्री की तनख्वाह से और जितना भी पैसा बचा था वो सारा का सारा गुजरात सचिवालय की वर्ग 3 और 4 के कर्मचारियों की बच्चियों की पढ़ाई लिखाई के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, इसके लिए कोई सर्कुलर नहीं था, इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया था। यही मोदी जी थे जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देश भर में दिया, और गुजरात में उनके प्रयासों से जन जागृति के माध्यम से कोई कानून के बगैर लिंग अनुपात के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन कर लाखों लाखों बेटियों को पृथ्वी पर आने का अधिकार इस नरेंद्र मोदी जी ने। धूमधक की धूप में मई महीने में पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री तक पूरी की पूरी सरकार 5 दिनों तक गर्ल चाइल्ड एनरोलमेंट के लिए गांव गांव में जाती थी। कोई कस्बा ऐसा नहीं होता था जहां पर सरकार के पदाधिकारी नहीं जाते थे। पंच सरपंच जिला पंचायत के सदस्य तहसील पंचायत के सदस्य विधायक सांसद मुख्यमंत्री मंत्री सभी लोग जाते थे और बच्चों बच्चियों को पढ़ाने के लिए उनके एनरोलमेंट के लिए और ड्रॉप आउट रेशियो के कम करने के लिए उनको फिर से पुनः दाखला दिलाने के लिए गांवों में निवास करते थे। माननीय अध्यक्ष जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसका परिणाम क्या था? एक और तो लिंग अनुपात में बहुत बड़ा अंतर आया, और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी जो लेगेसी छोड़ कर गई थी गुजरात में, उसमें प्राइमरी एजुकेशन में 37% ड्रॉप आउट रेशियो था, और मोदी जी जब मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने के आए तब वो 30% ड्रॉप आउट रेशियो घटकर 0.70% हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारी मान्यता का मुद्दा है, हमारे स्वभाव का मुद्दा है, हमारी कार्य संस्कृति का मुद्दा है। माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक